हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों जब भी क्रिकेट की बात होती है तो ऑलराउंडर का नाम पहले आता है। दोस्तों जो टीम में बेस्ट ऑलराउंडर होते हैं वो टीम काफ़ी मजबूत मानी जाती है और लास्ट तक बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप होती है दोस्तों। पर दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं महाराष्ट्र के टॉप 10 टेनिस ऑलराउंडर दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। आपके भी पसंदीदा क्रिकेटर इस वीडियो में होंगे उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आप भी टेनिस क्रिकेटर हो और टेनिस क्रिकेट को प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10वें नंबर पर है मेरे लिस्ट में विजय पावले दोस्तों, जो कि हालांकि बैटिंग काफ़ी कम करते हैं दोस्तों, बॉलिंग ऑलराउंडर है। और दोस्तों जब जब उनको बैटिंग का मौका मिला है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने टीम को जिताया है दोस्तों। आपको याद होगा भोपाल का भी टूर्नामेंट जब टीम हारने के गगार पे थी, पर विजय पावले ने एन मोमेंट पर अच्छी मैच पलट दी दोस्तों। तो मेरे लिस्ट में 10 नंबर पर। बात किया जाए नंबर 9 की तो केतन म्हात्रे दोस्तों भिवंडी के, जो कि लाजवाब बैटिंग ऑलराउंडर मानी जाती है। केतन म्हात्रे दोस्तों बैटिंग हो बॉलिंग हो परफेक्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं केतन म्हात्रे दोस्तों। तो मेरे लिस्ट में है 9वें नंबर पर केतन म्हात्रे दोस्तों। बात की जाए नंबर 8 तो 8वें नंबर पर है अंधेरी के ऐश्वर्या सुबे दोस्तों, जो कि लाजवाब क्रिकेटर है दोस्तों। बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले जैसे कि MPL हो, रणजी प्लेयर है दोस्तों ऐश्वर्या सुबे, और टेनिस क्रिकेट में भी अपनी अच्छी छाप छोड़ी है। बैटिंग हो बॉलिंग हो काफ़ी लाजवाब उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया टेनिस क्रिकेट में। तो बात किया जाए अब दोस्तों नंबर 7 तो 7वें नंबर पर है तुषार रणदिवे दोस्तों, जो कि प्रतीक इलेवेंट पुणे के लिए खेलते हैं दोस्तों। ये भी लाजवाब है दोस्तों, बॉलिंग ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बॉलिंग बैटिंग सभी में परफेक्ट है। तो मेरे लिस्ट में थे 7 नंबर पर। तो 6 नंबर की बात की जाए तो राकेश प्रभु दोस्तों, जो कि पोलार्ड के नाम से मशहूर है दोस्तों, पालघर के है और पोलार्ड के नाम से काफ़ी फेमस है। बैटिंग हो या बॉलिंग हो ये भी रणजी प्लेयर है दोस्तों। तो मेरे लिस्ट में थे 6 नंबर पर राकेश प्रभु दोस्तों। तो दोस्तों अब बात किया जाए नंबर 5 तो 5वें नंबर पर दोस्तों बात किया जाए अमोल दुबे, जो कि उमर 11 अंधेरी के लिए खेलते दोस्तों, और इन्होंने भी कम उम्र में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है दोस्तों। काफ़ी लाजवाब ऑलराउंडर है दोस्तों और उमर 11 के लिए काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात किया जाए नंबर 4 तो 4थे नंबर पर है मेरे लिस्ट में विश्वनाथ जाधव दोस्तों, जो कि वसई के और लाजवाब ऑलराउंडर है दोस्तों। बैटिंग हो या बॉलिंग हो सब में परफेक्ट दोस्तों। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया और अच्छे अभी पोजीशन पर है विश्वनाथ जाधव। तो दोस्तों बात किया जाए नंबर 3 तो 3रे नंबर पर है सर भावेश पवार दोस्तों, जो कि भिवंडी के प्राउड ऑफ भिवंडी माने जाते हैं दोस्तों, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कम उम्र में लाजवाब ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों। बैटिंग रहो या बॉलिंग रहो एंड में आकर मैच फिनिश करने का हुनर रखते भावेश पवार दोस्तों। तो दोस्तों अब बात की जाए नंबर 2 की तो 2 नंबर पर है मेरे लिस्ट में प्रीतम बारी दोस्तों, जो कि पालघर के है और एक शांत स्वभाव के क्रिकेटर है दोस्तों। बैटिंग रहो या बॉलिंग रहो सब में परफेक्ट मैच फिनिशर माने जाते हैं और हुक्मी इक्का है दोस्तों पालघर टीम के प्रीतम बारी 2 नंबर पर। तो दोस्तों बात किया जाए नंबर 1 की तो दोस्तों ऑलराउंडर की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं विश्वजीत ठाकुर दोस्तों, जो कि लाजवाब ऑलराउंडर है, परफेक्ट ऑलराउंडर है टेनिस क्रिकेट के दोस्तों। गेंदबाजी रहो या बैटिंग सब में परफेक्ट है। तो ऑलराउंडर के लिस्ट में दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं विश्वजीत ठाकुर दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में टॉप 10 महाराष्ट्र के ऑलराउंडर दिखाए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।